भारतीय नौसेना के बेड़े में आज साइलेंट किलर आईएनएस खंडेरी को शामिल कर लिया गया। खंडेरी उस पनडुब्बी का नाम है जो समुद्र में भारत की रखवाली करेगी, जो समुद्र के रास्ते आतंक की साजिश को समुद्र में ही दफन कर देगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, वी प्राउडली प्रेजेंट द इंडियन नेवल शिप खंडेरी। हमें अपने नेवी पर गर्व है। अखंड, अभेद और अदृश्य, अपनी ताकत और क्षमताओं में अखंड, समंदर में सुरक्षा अभेद और दुश्मनों की नजरों से अदृश्य, पाकिस्तानी आतंकियों का शिकार करने के लिए नौसेना के बेड़े में शामिल हो गई है समंदर की घातक मछली। नौसेना के बेड़े में शामिल हो गई है साइलेंट किलर, जो दुश्मन का करेगी सर्वनाश। पाकिस्तान के किसी भी जहरीले इरादे को पलक झपकते मटिया मेट कर देगी भारत के दूसरे स्कॉर्पियन वर्ग की मारक पनडुब्बी आईएनएस खंडेरी। आईएनएस खंडेरी को आज नौसेना में शामिल कर दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद आए थे और इसकी कमिश्निंग सेरेमनी में उन्होंने हिस्सा लिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये है आईएनएस खंडेरी, बहुत ही खूबसूरत और उतनी ही ताकतवर ये सबमरीन। ये स्कॉर्पियन क्लास 2 की दूसरी सबमरीन है और सबसे पहले हमने पिछले साल देखा आईएनएस कलवरी और उसके बाद ये है आईएनएस खंडेरी। देखिए, ये है आईएनएस खंडेरी। इसकी झलक है दुश्मनों की रूह को फना कर देने के लिए काफी है। आज इसे P-17 शिवालिक वर्ग के युद्धबोध के साथ नौसेना में शामिल कर दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे हरी झंडी दिखाई, साथ ही ऐलान किया कि 26/11 के आतंकी हमले की तरह अब कभी भी दूसरा हमला नहीं होगा, क्योंकि समंदर में दुश्मनों को खत्म करने का जिम्मा अब इसी खंडेरी के पास है। कुछ ऐसी ताकतें हैं जिनकी हसरतें नापाक हैं। वे साजिश रच रहे हैं कि समुद्र के रास्ते मुंबई के 26/11 जैसा एक और स्पेकुलेटेड अटैक भारत के इस कोस्टल एरिया में वह कर सकें, लेकिन उनके इरादे किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होंगे। यूएन में जहरीली जुबान बोलने वाले इमरान खान और परमाणु बम की बार बार धमकी देने वाले पाकिस्तान को भी इसी मंच से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आगाह किया। ध्यान से सुनो पाकिस्तान, एक गलत हरकत और मिट जाएगा नामो निशान। इस अरब सागर और हिंद महासागर क्षेत्र की अनदेखी हम किसी भी सूरत में नहीं कर सकते हैं। इस इलाके में यदि कोई भी तत्व या ताकत शांति भंग करने की कोशिश करेगा तो भारतीय नौसेना उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगी। मुंबई के मझगांव में 7 अप्रैल 2009 को पनडुब्बी खंडेरी के निर्माण का काम शुरू किया गया था। इसके 5 अलग अलग हिस्सों को बनाकर नवंबर 2016 में एक साथ जोड़ा गया। 12 जनवरी 2017 को यह पनडुब्बी लॉन्च हो गई और 1 जून 2017 से खंडेरी का परीक्षण शुरू हुआ। सितंबर 2019 तक समंदर में लगातार इसका ट्रायल चलता रहा और अब ये पनडुब्बी बेहद खामोशी से दुश्मन को तबाह करने की क्षमता से लैस हो चुकी है, जिसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। जी, हमारी क्षमता है हैवी वेट टॉर्पेडोज फायर करने की, एंटी शिप मिसाइल्स और माइन लेइंग कैपेबिलिटी है, और ये काफ़ी घातक होते हैं। टॉर्पेडो बहुत ही घातक जो वेपन है एक शिप के लिए, तो हमारी और हैवी वेट है तो इसका मतलब उसकी रेंज ज़्यादा होती है, तो हम अपने दुश्मन पे दूर से ही घातक वार कर सकते हैं। खंडेरी की लंबाई करीब 67.5 मीटर और चौड़ाई 12.3 मीटर है। इसमें समुद्र में 350 मीटर की गहराई तक गोता लगाने की क्षमता है। खंडेरी 12,000 किलोमीटर की दूरी तक गहरे समुद्र में सफर कर सकती है। खंडेरी समुद्र के अंदर पानी में करीब 20 किलोमीटर प्रति घंटे और सतह पर करीब 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफर कर सकती है। खंडेरी 40 से 45 दिन तक पानी के अंदर रह सकती है। एक बार में 12,000 किलोमीटर की यह दूरी तय कर सकती है। इस पर आधुनिक एंटी सरफेस एंटी सबमरीन हथियार मौजूद है। इसमें लगे आधुनिक संचार उपकरणों से दुश्मनों की साजिशों का तुरंत पता लगाया जा सकेगा। कहने का मतलब यह है
कि दुश्मन ने अगर समंदर के रास्ते भारत की सीमा में घुसने की कोशिश भी की तो मौत निश्चित है।